स्वागत है दोस्तों हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलग अलग आरएमआर के बीच में क्या वोल्ट से वोल्ट का दूरी रहना चाहिए, क्योंकि रूफ अलग अलग आरएमआर का होता है ना, तो उसमें एक वोल्ट से दूसरे वोल्ट के बीच का क्या डिस्टेंस होना चाहिए। इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कोई एच पी सोनी पढ़ लेते हैं, कहते हैं कि सर उसमें तो ये दिया हुआ है वोल्ट डेंसिटी, आप ये बता रहे हैं। जैसे कि हमारे ही वीडियो में जिसमें सर्कुलर पे मैंने वीडियो बनाया है, उसमें कुछ लड़के कंफ्यूज हैं, उसमें बता रहे हैं कि हम उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। हम कमेंट में भी उनको बताए हैं, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को कि क्या कहना चाह रहे हैं। वोल्ट डेंसिटी क्या होता है और डिस्टेंस वोल्ट से वोल्ट का बीच का जो दूरी होता है ना, दोनों में अंतर होता है। ये आप देख सकते हैं कि एच पी सोनी का है, ये फोटो है जो आप पढ़ते हैं ज़्यादातर इस बुक में। आप देख सकते हैं कि जो अच्छा रूप होता है इसमें कम से कम वोल्ट लगा हुआ है, मतलब कि एक वोल्ट से दूसरा वोल्ट का बीच का जो दूरी है वो ज़्यादा है, 1.2 से 1.5 मीटर। और फिर आप ठीक रूप में जब जाते हैं तो ठीक रूप में आप देख जो डिस्टेंस है एक वोल्ट से दूसरा वोल्ट का, ये 1 मीटर है। और जब आप खराब रूप में जाते हैं तो वहाँ पे ये जो एक वोल्ट से दूसरा वोल्ट का बीच का जो दूरी है वो घट जाता है, क्योंकि उसमें रूप वोल्ट पास लगेगा। अब मैंने दोनों को मर्ज कर दिया है, एक सर्कुलर के हिसाब से है उसको और जो एच पी सोनी के अनुसार से है उसको भी मर्ज कर दिया है। तो देखते हैं अब क्या आपको क्या समझ में आता है। अब अगर कन्फ्यूजन नहीं क्लियर हुआ तो फिर मुश्किल है। इसमें आप देखिए जिसका आरएमआर 20 से 40 है, यानी जो पुअर रूप में आता है, उसमें एक है वोल्ट डेंसिटी सर्कुलर के अनुसार से उसमें बताया गया है वोल्ट डेंसिटी, और एच पी सोनी ने बताया है वोल्टों की दूरी, मतलब कि एक वोल्ट से दूसरे वोल्ट का डिस्टेंस। इसका ये जो एच पी सोनी बता रहे हैं ये डिस्टेंस बता रहे हैं, ठीक है, जिसका यूनिट क्या होगा केवल मीटर में होगा। और जो सर्कुलर में बताया गया है वोल्ट डेंसिटी और इसका यूनिट क्या होगा वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग है, यूनिट से ही समझ में आपको आ गया होगा। तो जो पुअर रूप होता है ना, पुअर रूप और फेयर रूप और गुड रूप तीन है। तो इसमें कि आपको ध्यान दीजिएगा, हम अभी ये सभी बुक को हटा देते हैं, ठीक है। आप ये ध्यान दीजिए कि जब रूप पुअर होगा इसमें ज़्यादा वोल्ट लगेगा, पास में लगेगा, ठीक है। और जब रूप उससे थोड़ा सा ठीक होगा तो हम वोल्टों का जो दूरी है थोड़ा, मतलब कि थोड़ा दूर कर सकते हैं। और जब और उससे अच्छा रूप मिलेगा तो थोड़ा सा और दूर कर सकते हैं हम एक वोल्ट से दूसरा वोल्ट का बीच का डिस्टेंस। तो यानी वोल्ट हमको कम लगाना पड़ रहा है जैसे जैसे रूप अच्छा हो रहा है, नोटिस कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। और वोल्ट आपको जैसे जैसे कम लगाना पड़ रहा है, यानी जैसे जैसे आपका रूप अच्छा हो रहा है ना, तो उस तरह से क्या हो रहा है आपका वोल्ट डेंसिटी कम होते जा रहा है। आप ज़्यादा जब खराब रूप है तो आपको ज़्यादा वोल्ट लगाना पड़ेगा, यानी वोल्ट डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और फिर उससे अच्छा रूप मिला तो वोल्ट डेंसिटी आपको कम करना पड़ेगा, मतलब आपको एक वोल्ट से दूसरे वोल्ट का बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा। और उससे भी अच्छा रूप मिल गया तब वोल्ट का जो दूरी है वो और भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, यानी वोल्ट डेंसिटी और भी आपको कम करना पड़ेगा। वोल्ट डेंसिटी कहने का मतलब है कि एक मीटर स्क्वायर के एरिया में आप कितना वोल्ट लगा रहे हैं, ठीक है, वो वोल्ट डेंसिटी कहलाएगा, यानी वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक मीटर स्क्वायर का एरिया में अगर आप दो वोल्ट लगा रहे हैं और एक जगह तीन वोल्ट लग रहा है, तो जो जहाँ तीन वोल्ट लग रहा है ना वहाँ पे वोल्ट डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब कि वो रूप ज़्यादा खराब है। तो आप तीन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप वहाँ पे वो रूप खराब है और उसको आप जहाँ पे ज़्यादा वोल्टिंग लगा रहे हैं। और यही चीज़ का अगर वोल्ट से दूरी है वो घट जाएगा, ठीक है, कि चूँकि डेंसिटी ज़्यादा है ना, सामने वोल्ट लगा रहे हैं तो जो ये डिस्टेंस है वो घट जाएगा। दोस्तों इस वीडियो से ये निष्कर्ष निकल करके सामने आता है कि जब हम लोग वोल्ट डेंसिटी बढ़ाएंगे पुअर रूप में तब क्या होगा कि वोल्ट से वोल्ट का जो दूरी है वो घट जाएगा, और वहीं जैसे ही फेयर रूप में तो वहीं रहेगा दोनों साइड,
मतलब कि एचवी श्रेणी में और सर्कुलर में दोनों साइड तो वन ही है। और जब हम इसमें आते हैं रूप गुड रूप में, गुड रूप में आ जाते हैं तो देखते हैं कि बोल्ट डेंसिटी कम कर दिया। बोल्ट डेंसिटी कम करने का क्या मतलब है कि बोल्ट हम लोग कम लगा रहे हैं, यानी एक बोल्ट से दूसरा बोल्ट का जो दूरी है वो बढ़ गया है, मतलब कि ज़्यादा दूर दूर पे लगा रहे हैं। अच्छा रूप में बोल्टिंग क्यों सामने लगा रहे हैं, जब रूप अच्छा है तो इसीलिए दूर दूर पे लगाते हैं, तो वही जो डिस्टेंस है ना वो बढ़ जाता है, बोल्ट से बोल्ट का डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण से हम लोग 1.2 से लेकर के 1.5 मीटर के बीच में हम लोग लगाते हैं, जो कि आप एचपी सोनी में देखते हैं। और इसमें देखते हैं तो 0.7 वोल्ट आपका पर मीटर स्क्वायर मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग दूर दूर लगाएंगे तो बोल्ट डेंसिटी कम ही होगा ना। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। अगर हमारे इस वीडियो से आपका कन्फ्यूजन अगर क्लियर हो गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगले का भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।